हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा रिजल्ट कह लो या थ्योरम कह लो या टॉपिक कह लो, क्या है कि आपको टू प्रोजेक्शंस दे दी एम एंड एन, जो क्लोज लीनियर सबस्पेस है एच के, उसके ऊपर में। एंड आपको शो करना है, देखो हमने शो किया प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन इज प्रोजेक्शन इफ एंड ओनली बोथ कम्यूट। एक वो रिजल्ट था प्रोजेक्शन के ऊपर में, एक ये रिजल्ट है कि प्रोजेक्शंस का डिफरेंस क्या होगा, कि वो कब प्रोजेक्शन बनेगा जब इफ एंड ओनली पी क्या हो, लेस देन इक्वल टू क्यू हो। इन केस के अंदर जो क्यू माइनस पी प्रोजेक्शन बनेगी वो किसके ऊपर में बनेगी, एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल पे, यानी जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना उसके ऑर्थोगोनल सेट का इंटरसेक्शन लेना है। इस चीज को ध्यान रखना। इससे पहले जब हमने प्रोडक्ट वाला पढ़ा था उसमें किसके साथ थी ये चीज, एन इंटरसेक्शन एम था, वहां ऑर्थोगोनल का कोई रोल नहीं था, बट यहाँ पे किसके ऊपर में आ जा रही है, एम ऑर्थोगोनल के ऊपर में, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके ऑर्थोगोनल सेट के ऊपर में। नाउ प्रूफ देखो कैसे करेंगे। सिंस पी एंड क्यू आर प्रोजेक्शंस, सो आई कैन राइट पी स्क्वेयर एज पी स्टार एंड क्यू स्क्वेयर एज क्यू स्टार एज क्यू। ठीक है, इसको नाम दे दो फर्स्ट। देखो आपको क्या कहा गया है, क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन इफ एंड ओनली पी लेस देन इक्वल टू क्यू। लेट क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन। मैं कर रही हूँ फॉरवर्ड प्रूफ। वैसे ये वाली चीज जो वन वाली स्टेटमेंट है ना, वो दोनों केसेस में यूज होगी, तो यहां से शुरू है फॉरवर्ड प्रूफ। ठीक है, क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन, दिस इंप्लाई क्यू माइनस पी का स्क्वायर इक्वल है क्यू माइनस पी के स्टार के इक्वल है क्यू माइनस पी के। ये चीज है। अब खुद आप मेरे को यहां से ऑब्जर्व करके बताना है एक चीज, कि क्या क्यू माइनस पी कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्या प्रोजेक्शन, क्यू माइनस पी को भी रहने दो, क्या प्रोजेक्शन कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर्स के केस से समझा रही हूँ आपको। माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा ना। माइनस वन का स्क्वायर, इसको भी छोड़ दो, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। एंड माइनस वन की पावर वन क्या होगी, ये माइनस वन होगी। अगर आपको मैं कोई प्रोजेक्शन दूं एंड अगर वो नेगेटिव है, तो क्या कभी भी इसकी पावर वन और इसकी पावर टू, क्या ये दोनों कभी भी इक्वेट हो सकती हैं, अगर प्रोजेक्शन नेगेटिव हुई तो कभी भी इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, माइनस टू टू के इक्वल कभी नहीं होता है। सो प्रोजेक्शन हमेशा ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। एज क्या जानते हैं हम, यहां से क्या जानते हैं, वी नो क्यू माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाई क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, दैट इज हमने क्या शो किया, पी लेस देन इक्वल टू क्यू। डन, जो हमको शो करना था हो गया आपका फॉरवर्ड प्रूफ। नाउ बैकवर्ड प्रूफ क्या कह रहा है आपसे, लेट पी लेस देन इक्वल टू क्यू, व्हाट वी नीड टू शो, टू शो क्यू माइनस पी का स्क्वायर इक्वल है क्यू माइनस पी के स्टार के इक्वल है क्यू माइनस पी के, दैट इज क्यू माइनस पी इज प्रोजेक्शन। वी नीड टू शो दिस। नाउ नाउ क्यू माइनस पी का स्टार देखो, स्क्वायर देखो, क्यू माइनस पी देखो, इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज के साथ ओपन इसलिए नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो वेदर ऑपरेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शंस पी क्यू विल कम्यूट और नो, आई रियली डोंट नो, दैट्स वाई मैं इसको एक्सप्लिसिटली ओपन करूंगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पे क्या आएगा, माइनस टू ए बी, हाँ माइनस टू ए बी आता, लेकिन वो कब आता, जब ए बी हो, कम्यूट करें, आई डोंट नो यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस कम्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मुझे एक्सप्लिसिटली ओपन करना। एक्सप्लिसिटली ओपन करते हुए चलेंगे, क्यू डॉट क्यू माइनस क्यू डॉट पी,
माइनस पी डॉट क्यू माइनस प्लस पी डॉट पी. जब तक आपको मेंशन ना किया जाए तब तक बोथ आर डिफरेंट. ओके सो फ्रॉम हियर व्हाट आई गेट q स्क्वायर माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स लिखाई थी. उस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के अंदर में क्या था, फर्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि p अगर लेस देन इक्वल टू q है तो आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट क्या आए थे, वहां पे फोर्थ एंड फिफ्थ रिजल्ट था क्यू पी पी होगा एंड पी क्यू भी पी होगा. ये रिजल्ट थे एंड जो उस रिजल्ट की स्टेटमेंट थी वो थी कि ये दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. इफ दैट आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स देन आई कैन राइट कि मैं क्यू पी को पी लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज गिवन है पी लेस देन इक्वल टू क्यू है. एंड ये और ये तीनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है. इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होने की वजह से मैं इसकी जगह में इसका यूज कर सकती हूँ, इसकी जगह में इसका, इसकी जगह में इसका. ऑलराइट अभी मुझे इसकी नीड है तो मैं यहाँ से ये उठा रही हूँ. Q and P both are projections, so I could write P square as P and Q square as Q. तो Q minus ये क्या है? P है. ये क्या है? ये भी P है plus P. Done? हो गई ये चीज. मैंने इस equivalent statement का use किया. अब देखो क्या ये Q minus P का star? Q माइनस पी का स्टार कैसे ओपन होगा? Q स्टार माइनस पी का स्टार. As P and Q are projections, so I can write Q star as Q and P star as P. So Q minus P. So we can say that Q minus P is projection. Now next step क्या होगा, हमें क्या शो करना है कि रेंज स्पेस ऑफ. Now we show what we will show, we show range space of q minus p equal होगा n intersection m orthogonal के. okay मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जब भी आपको टू सेट्स को इक्वल शो करना है आप एक सबसे सिंपल अप्रोच क्या ले सकते हो. say you want to show a is contained in b, sorry a is equal to b, then what can you do, you can do कि आप ए को बी में कंटेंट करा दो एंड बी को ए में कंटेंट करा दो. जब आप ये दोनों चीज करा दोगे लास्ट में क्या आ जाएगी, इक्वेलिटी आ जाएगी. बट द सेम प्रोसीजर वी विल प्रोसीड. सबसे पहले मैं क्या शो करूंगी, रेंज ऑफ क्यू माइनस पी का एक एलिमेंट लूंगी, ठीक है, वहां से एलिमेंट उठाऊंगी और उसको एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल में बिलोंग कराऊंगी. आफ्टर दैट मैं एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल से एक एलिमेंट लूंगी एंड देन इसको इसमें बिलोंग कराऊंगी. ओके लेट x belongs to what? Range space of q minus p. If x belongs to range space of q minus p, then we must have, या कह लो if and only if q minus p over that x equal हो x के. अब दोनों साइड आप क्या कर दो, ऑपरेटर q ऑपरेट कर दो. This implies q dot q minus q dot p over x equals to q of x. Okay. इसको क्या लिख सकती हूँ, क्यू स्क्वेयर डॉट एक्स माइनस क्यू पी ओवर एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. ये चीज लिख सकती हूँ. एक चीज और, पी एक्स का मतलब है पी ऑपरेट करा रहे हो एक्स पे, क्यू एक्स का मतलब है क्यू ऑपरेट करा रहे हो एक्स पे, ठीक है, ये चीज है. अब यहां से देखो, यहीं पे कर देती हूँ, छोटा सा ही है या चलो प्रॉपरली करते हैं फिर. Now see, I can write q square as q, so q of x minus. देखो मैंने यहाँ पे आपको एक equivalent statement बताई थी कि q p equal है p equal है p q के. कब? जब आपको ये given हो कि p less than equal to q है, then these are ये और ये दोनों statements equivalent statement थी. तो यहाँ पे मैं वो use कर सकता हूँ, q p x की जगह मैंने use किया p और ये x आ गया as it is q of x. Now यहाँ से इन ऑपरेटर को अलग कर दो, एक्स को अलग कर दो. अब देखो क्यू माइनस पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपके पास एक्स है, सो यू कैन राइट हियर एज एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. ये चीज आप लिख सकते हो ना, ये ऐसे कर लो, ऑपरेटर एक्स पे लिख रहा है,
ये चीज आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एक्स किस में बिलोंग कर गया, एन में बिलोंग कर गया। अब हमें क्या शो करना है कि एक्स किस में बिलोंग कर जाए, एम ऑर्थोगोनल में, तभी दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। नाउ एज यहां से देखो, स्टार से हमें क्या पता है, एज फ्रॉम स्टार व्हाट वी नो कि क्यू माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एक्स के। अब दोनों तरफ पी से ऑपरेट कर दो, क्यू माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल है पी ऑफ एक्स के, यहाँ क्या आ जाएगा, p डॉट q माइनस p डॉट p ओवर व्हाट x इक्वल्स टू p ऑफ x। अब एक बात बताओ, जो pq ऑपरेटर है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ p, सिंस p इज प्रोजेक्शन सो आई कैन राइट p स्क्वायर एज p, सो p माइनस p ऑफ x। अब एक बात बताओ, ये क्या चीज बनेगी, देखो अगर इसको ओपन करके लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज ऑपरेटर में से ऑपरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाई दिस इज जीरो ऑपरेटर, ओके। तो ये क्या ऑपरेटर बन गया, जीरो ऑपरेटर बन गया इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। अब जीरो ऑपरेटर की क्या खासियत है, वो हर एक एलिमेंट को जीरो पे ही मैप कराएगा, सो यहां से हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, जीरो, सो पी ऑफ एक्स क्या आ गया, जीरो। अगर किसी एलिमेंट पे आपने पी ऑपरेट किया और अगर उसकी इमेज जीरो आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट के ऑर्थोगोनल सेट में जा रहा होगा, उस ऑपरेटर के ऑर्थोगोनल सेट में जा रहा होगा। तो एक्स बिलोंग कर गया एम ऑर्थोगोनल, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल। हमें क्या मिला, रेंज स्पेस ऑफ पी माइनस क्यू कंटेंड है एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल। ये चीज हमने शो कर दी, इसको नाम दे रही हूं मैं थर्ड, ठीक है, इसको थ्री नेम दे रही हूँ। अब हम शो करेंगे रिवर्स वाली चीज, अब हम क्या शो करेंगे कि n इंटरसेक्शन m ऑर्थोगोनल का एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, रेंज स्पेस ऑफ p माइनस क्यू में। अब देखो, लेट x बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन m ऑर्थोगोनल, अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो x दोनों में जाएगा, x बिलोंग करेगा n में एंड x बिलोंग करेगा m ऑर्थोगोनल में। अगर x n में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज q ऑफ x क्या आएगा, x, एंड अगर x m ऑर्थोगोनल में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज p ऑफ x क्या आएगा, जीरो आएगा। नाउ अगर आपको ये शो करना है कि x p माइनस क्यू में बिलोंग कर रहा है, रेंज स्पेस ऑफ p माइनस क्यू में बिलोंग कर रहा है, तो आपको शो करना पड़ेगा कि p माइनस क्यू ओवर x खुद x आ जा रहा है। ये हमें शो करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये एलिमेंट रेंज स्पेस ऑफ p माइनस क्यू में जा रहा है। तो लेते हैं, देखो सॉरी p माइनस क्यू नहीं है, यहाँ पे q माइनस p है, q माइनस p, ओके। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, q माइनस पी ओवर x इक्वल्स टू x, लो q माइनस पी लो ओवर x, हमें क्या शो करना था कि q माइनस पी ओवर x इक्वल्स टू x, लेफ्ट हैंड साइड उठाई उठाओ q ओवर x माइनस p ओवर x, यहां से देखो वैल्यूज, q ओवर x की वैल्यू क्या है x, p ओवर x की वैल्यू क्या है जीरो, दिस इंप्लाइज x माइनस जीरो इक्वल्स टू x, सो हमें क्या मिला, q माइनस पी ओवर x इक्वल है x के, व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ q माइनस p, ठीक है। यहां से हमें क्या मिला कि n इंटरसेक्शन m का ऑर्थोगोनल कंटेंड है रेंज स्पेस ऑफ q माइनस p के अंदर, दिस इज आर फोर, सो फ्रॉम थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर वॉट वी हैव रेंज स्पेस ऑफ क्यू माइनस पी इक्वल है एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल के, ओके। तो हमारे पास क्या आई, क्यू माइनस पी प्रोजेक्शन आई, एंड उस प्रोजेक्शन का जो आपका रेंज स्पेस बना वो क्या बना, एन इंटरसेक्शन एम ऑर्थोगोनल, यही था। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा था, बाकी थ्योरम बहुत ईजी है समझने के लिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो कमेंट करना,